हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज विकास बघेल और आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कोई प्लान नहीं थी कि बनानी है या नहीं बनानी है। अचानक से एक प्रॉब्लम आ रही है मेरी बाइक में, टीवीएस विक्टर प्रीमियम एडिशन में, जो पिछले साल में ली 2018 में। तो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10,000 किलोमीटर के बाद का रिव्यू दिया था, नहीं दिया, नहीं देखा तो लिंक देख लो, यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगी, क्लिक करके देख सकते हो 10,000 किलोमीटर के बाद क्या रिव्यू था इस बाइक का। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बार बैटरी इसकी चेंज कराई थी और वो बैटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है मुझे, क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब ये टीवीएस को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कंज्यूमर की गाड़ी कहीं भी खराब होती है तो वो चालू ही नहीं कर सकता अपनी बाइक को, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फंस जाएगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसको वर्कशॉप कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तक में भी लाइट नहीं आ रही है और हुआ कुछ नहीं है। जब मैं गाड़ी धो रहा था तब पता नहीं अचानक से क्या हो, गाड़ी चालू होना ही बंद कर दिया। मैंने बैटरी बदलवाई थी, शायद मुझे रीबिल्ट बैटरी टीवीएस वर्कशॉप से लगा के दे दिया, जिसकी वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आओ मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाइक में चाबी लगा रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जलता है, सब के सब चीज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। देखो ऑन में है मेरी गाड़ी, ऑफ़ कर दिया अब मैंने, इसके बाद अगर मैं ऑन करूँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऑन में करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर आप ये सोचो ना कि बैटरी नहीं लगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बैटरी लगी हुई है। तो ये मैंने डिग्गी ओपन करी तो यहाँ से आप देख सकते हो साफ साफ, ये इसमें बैटरी तो लगी हुई है एक साइड की, लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाई थी एक बार, बैटरी ख़राब हो गई थी पिछली बैटरी, क्योंकि बैटरी बहुत बेकार थी यार, वो जल्दी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो इन्होंने डाली वो भी ऐसी डाली कि ये बहुत बेकार है, तो मुझे सर्विस बहुत बेकार लगी टीवीएस की इस मामले में। तो ये बैटरी भी लगी हुई है बट अचानक से बंद हो गई, और बंद होने के बाद चालू भी नहीं हो रही है। आज भैया दूज है, मुझे जाना है अपनी सिस्टर्स के पास भी, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि चालू ही नहीं हो रही है बाइक मेरी। अब इसका मैं क्या करूँ, वर्कशॉप तक जाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। मैंने इसको चला के देख लिया, किक मार के देख ली, किक मारते मारते परेशान हो गया, कल से 1-1.5 घंटा मैं किक ही मारता रहा। तो गाइस अब एक चीज़ और, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं जो कमेंट करके बोलेंगे अब फ्यूज़ देख ले, उसका स्पार्क प्लग देख ले, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बता दूँ, पहले ही बहुत बार साफ़ कर चुका हूँ, यहाँ पे इसका स्पार्क प्लग लगता है टीवीएस विक्टर, उसको निकाल के कई बार साफ करके लगा चुका हूँ। मुझे पता है प्रॉब्लम बैटरी से, लेकिन फिर भी मैंने इसको चेक कर लिया अपनी तसल्ली के लिए कि शायद, क्योंकि बैटरी से प्रॉब्लम है तो शायद इंजन चालू हो जाए, इसलिए मैंने इसको स्पार्क प्लग को भी साफ़ किया कई बार, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो स्पार्क प्लग वगैरह सब कुछ मैंने चेंज करके देख लिया, चेंज करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेरा दोस्त था जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, इसके पास था एक स्पार्क प्लग, वो भी मैंने लगा के देखा था इस बाइक में, तो उससे भी चालू नहीं हुई थी। तो मेरा स्पार्क प्लग तो बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, चेक करा था मैंने, देख के साफ करके भी देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन ये चालू नहीं हो रही, प्रॉब्लम बैटरी से ही है। और टीवीएस क्या बोलूँ, अब सब कुछ दिख रहा है आपके सामने। सो गाइज ये देखो, मैं स्टार्ट करूँगा इसको, स्टार्ट किया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी नहीं आ रहा, और अब मैं किक मारूँगा, किक से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कल से किक ही मारे जा रहा हूँ इसमें, किक ही मारे जा रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, करंट आना चालू हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ एक चीज़ है, आप लाइट पे देखो, हल्की सी लाइट जल रही है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ, लाइट हल्की सी ज़रूर जलती है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये लाइट जल रही है बस हल्की सी, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब थोड़ी बात करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो प्रॉब्लम किसकी है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? टीवीएस जो कंपनी है, इनकी सर्विस बाकी मामलों में अच्छी है, लेकिन रिप्लेसमेंट के मामले में बहुत ख़राब है। जो इन्होंने 1000 स्विच भी चेंज किया था मेरा, वो भी थोड़े दिनों बाद ख़राब हो गया था, दोबारा उसको मैंने फिक्स करवाया था। उसके बाद जो इन्होंने बैटरी मुझे बदल के दी, वो शायद रीबिल्ट बैटरी दे दी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। तो इस मामले में सर्विस बहुत ख़राब है, अब टीवीएस को इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जाऊँगा भी मैं दोबारा टीवीएस के वर्कशॉप भी जाऊँगा बताने के लिए, दोबारा शायद बैटरी को चेंज कर रही है, और बैटरी चेंज करने में भी 4-5 दिन लेते हैं, वो कहते हैं आई नहीं अभी कंपनी से, आई नहीं, ये गई नहीं, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई होप कि टीवीएस को फिक्स करें, और टीवीएस विक्टर अगर आप ले रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखो, बैटरी प्रॉब्लम करती है, एक नहीं कई लोगों से और भी पूछा है मैंने, बैटरी प्रॉब्लम करती है अक्सर, उनकी सेल्फ की प्रॉब्लम, हमेशा टीवीएस विक्टर को लेकर कमेंट आते रहता है, आप लोग कमेंट करते हो कि सेल्फ की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आती है, वो बैटरी की वजह से आती है, और बैटरी का खामियाजा होगा जो भुगतना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी मुझे यही बताना था ये बैटरी को लेके क्या लापरवाही करते हैं, ठीक है? अच्छी लगे तो यार कमेंट कर देना, और लाइक भी कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दिस इज विकास पटेल साइनिंग ऑफ फनकार बाइक सपोर्ट, जय हिंद।